बड़ी खबर, कांग्रेस ने 4 उम्मीदवार घोषित किए हैं। लोकसभा चुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर, कांग्रेस ने 4 उम्मीदवार घोषित किए हैं। अजमेर से रामचंद्र चौधरी को टिकट दिया गया है और साथ ही कोटा से प्रहलाद गुंजल को टिकट दिया गया है। इसके अलावा भीलवाड़ा की बात कर लें तो दामोदर गुर्जर को टिकट दिया गया है। 4 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए हैं कांग्रेस ने। राजसमंद से सुदर्शन रावत को टिकट दिया गया है। तो ये 4 नाम घोषित किए गए हैं लोकसभा चुनाव को लेकर, ये बड़ी खबर। कांग्रेस ने 4 उम्मीदवार घोषित किए हैं, 4 नामों का ऐलान हुआ है। फिलहाल अजमेर से रामचंद्र चौधरी को टिकट दिया गया है और कोटा से प्रहलाद गुंजल को टिकट दिया गया है। इसके अलावा भीलवाड़ा से दामोदर गुर्जर को टिकट मिला है और साथ ही राजसमंद से सुदर्शन रावत को टिकट दिया गया है। तो ये 4 नामों का ऐलान कांग्रेस की ओर से हुआ है, लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर। लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हैं और ऐसे में लगातार जो पार्टियां हैं वो सजग हैं। फिलहाल कांग्रेस ने 4 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। अधिक जानकारी के लिए संवाददाता लोकेश ओला फोनलाइन पर फिलहाल जुड़ चुके हैं। लोकेश, किस तरह से देखते हैं इन 4 नामों को? देखिए, लगातार सरगर्मियां तेज है, 4 नामों का फिलहाल ऐलान हुआ है। आज लोकसभा प्रत्याशी राजस्थान के प्रत्याशी की घोषणा की गई है, साथ ही एक तमिलनाडु के भी प्रत्याशी घोषणा की है। 4 जो राजस्थान से हैं, जिसमें कोटा को से प्रहलाद गुंजल जो भाजपा से हाल ही कांग्रेस पार्टी ज्वाइन किया है, उनको चुनाव मैदान में उतारा गया है। वही भीलवाड़ा से डॉक्टर दामोदर गुर्जर, राजसमंद से सुदर्शन रावत और साथ ही अजमेर से रामचंद्र चौधरी को चुनाव मैदान में उतारा है। तो एक जातिगत समीकरण यहाँ बैठाया गया है। साथ ही जो कदावर नेता थे, जिस तरह से कोटा के अंदर जो पार्टी को मजबूती देने के लिए और भाजपा के कदावर नेता रहे प्रहलाद गुर्जर को हाल में कांग्रेस पार्टी की सदस्यता उनको जिलाए, तो कहीं ना कहीं यहाँ जातिगत समीकरण देखने को मिले। साथ ही भाषाओं किस तरह से डिफेंड किया जाए, ये मजबूती से देखने के लिए प्रयास किया गया है। तो रामचंद्र चौधरी को अजमेर से चुनाव मैदान में उतारा गया है, साथ ही सुदर्शन जो रावत है उनको राजसमंद से और भीलवाड़ा से डॉक्टर दामोदर गुर्जर को चुनाव मैदान में उतारा है। अजमेर से जो जहां नेता उनको बाहुल्य क्षेत्र जो लोकसभा क्षेत्र है, तो वहाँ जातिगत समीकरण यहाँ देखा गया है। इसी तरह जो कल भी एक और सीट पर जयपुर शहर की सीट पर किया गया है और साथ ही छोटा बुरैलाज मेड़ा को प्रत्याशी बनाया, तो वहाँ पर भी जातिगत समीकरण यहाँ देखा गया है। जो कांग्रेस पार्टी जातिगत समीकरण और साथ ही किस तरह से मजबूत और कदावर नेताओं को चुनाव मैदान में उतारा जाए, इसी को देखते हुए आज जो 4 सीटें तय की गई, उसमें महत्वपूर्ण से रोशित जो सुदर्शन रावत है वो ब्यावर से चुनाव भी लड़ चुके हैं और साथ ही जो जाजपुर बाहुल्य सीट है तो वहां पर भी जातिगत समीकरण देखा गया है। बूंदी कोटा बूंदी से जो प्रहलाद गुंजल को चुनाव मैदान में उतारा है, तो प्रहलाद गुंजल पूर्व भाजपा से विधायक रह चुके हैं, गुंजल बाहुल्य क्षेत्र है, तो कहीं ना कहीं जातिगत समीकरण भी यहाँ पर देखे गए हैं। अब बिल्कुल लोकेश, देखिए हमने कहीं ना कहीं वो दौर भी अब देखा है जब कांग्रेस से लगातार पलायन करने का सिलसिला जारी था, भाजपा से भी जैसे प्रहलाद गुंजल का नाम आ रहा है जिन्होंने कांग्रेस ज्वाइन किया और उसके बाद अब उन्हें तवज्जो भी दी गई है, तो इसको किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि एक तरफ भाजपा जहाँ वेलकम कर रही है कांग्रेस से आने वाले लोगों का, उधर दूसरी तरफ कांग्रेस में भी यही तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। देखिए बिल्कुल, जिस तरह से कांग्रेस पार्टी की ओर से प्रत्याशियों की घोषणा की गई है और जहाँ मुख्य रूप से दो लोकसभा सीटें ऐसी सिक्कर और नागौर, वहाँ पर जातिगत समीकरण भी देखे गए हैं और साथ ही अलायंस को भी यहाँ पर इंडिया गठबंधन किया गया है उसको भी जगह दी गई है।
साथ ही मजबूत नेता भी जो हनुमान बेनीवाल है जिनको आरएनपी से अनाउंस किया गया है वो चुनाव मैदान में हनुमान बेनीवाल नागपुर की सीट चुनाव लड़ेंगे अलायंस के तौर पर तो यहाँ पर दिखा गया। इसके अलावा देखिए चूरू जो लोकसभा सीट है वहाँ पर भी जो राजनीतिक समीकरण इस तरह से बैठाया गया है कि भाजपा के सांसद रहे राहुल कस्बा को कांग्रेस पार्टी ने टिकट देकर मौका दिया है और इसी तरह से बात करें तो जयपुर ग्रामीण के अंदर जो अनिल चोपड़ा को चुनाव मैदान में उतारा है माहौलियत सीट है और जयपुर या फिर बात करें तो जयपुर ग्रामीण जीतकर इन सीटों में से एक जो जाट नेता को देना पहले से ही रहा है और जिस तरह से पिछली बार कृष्णा पूनिया को जयपुर ग्रामीण से लोकसभा चुनाव कांग्रेस पार्टी ने लड़ा है इस बार जो युवा नेता और जो जाता यूनिवर्सिटी के भी पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं अनिल चोपड़ा को चुनाव मैदान में उतारा गया है तो कहीं ना कहीं युवाओं को एक अच्छा मौका पार्टी की ओर से दिया गया है तो जाते समीकरण यहाँ देखे गए हैं। साथ ही जो पिछड़ा सीटें हैं वहां पर किस तरह से कांग्रेस पार्टी अपने मजबूत कैंडिडेट को चुनाव मैदान में उतारा जाए तो समीकरण बनाते हुए चुनाव मैदान में जो कांग्रेस पार्टी है वो उतर चुकी है और हर एक जो नेताओं को जिस तरह से राहुल गांधी ने जो राहुल गांधी के निर्देश पर जो राजस्थान के जो वरिष्ठ नेता है जिसमें चाहे बात करें सचिन पायलट हो या फिर अशोक गहलोत हो उन्होंने जुटता दिखाते हुए अपने अपने जो प्रभावशाली जो क्षेत्र हैं वहां पर चुनाव प्रचार और जो टिकट वितरण और साथ ही जो अपने अपने जो नेताओं को टिकट दिलवाने में भी कामयाबी हासिल की तो कहीं ना कहीं एकजुटता के साथ में इस बार लोकसभा चुनाव कांग्रेस पार्टी के जो तमाम जो विजय है वो मजबूती के साथ लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल लोकेश बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका। तो कांग्रेस की ओर से चार उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हुआ है। तो और अधिक जानकारी के लिए भीलवाड़ा से सहयोगी जयेश पारिक फोन लाइन पर फिलहाल जुड़ चुके हैं। जयेश क्या कुछ कहना है, दामोदर गुर्जर का नाम वहां से सामने आया है, अपने अपने क्षेत्र में कहीं ना कहीं कांग्रेस भी अब उन्हीं लोगों को उतार रही है मैदान में जिनकी अच्छी पैठ है अपने क्षेत्र में, क्या कुछ कहना है? बिल्कुल आपको बताना चाहूंगा कि लोकसभा चुनाव नजदीक है और जहां एक और भाजपा ने अपने प्रत्याशियों की लगभग घोषणा शुरू कर दी है वहीं भीलवाड़ा जिले में जहां भाजपा प्रत्याशियों की घोषणा बाकी नहीं इस बीच जो है कांग्रेस प्रत्याशी की घोषणा से जो है एक हड़कंप सा नजर आया है। भीलवाड़ा की राजनीति में जो है वो उथल पुथल की देखी जा रही है क्योंकि अब तक जो है वो भाजपा प्रत्याशी का नाम घोषित नहीं हो पाया है। वहीं भीलवाड़ा से जो है दामोदर गुर्जर को जो है कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया है जिसके बाद अब पूरी तरीके से ये माना जा रहा है कि जहाँ वैश्य और जहाँ एक ब्राह्मण समाज से जो है भाजपा प्रत्याशी को टिकट देने की जो है कवायद चल रही थी जिसके बाद में हो सकता है कि उसमें भी कई हद तक जो है उसमें बदलाव किया जा सकता है। अजयश देखिए वैसे तो अभी सूची आई ही है लेकिन जैसे ही दामोदर गुर्जर का नाम सामने आया है उसके बाद वहाँ की सियासी गलियारों में क्या कुछ इसके मायने निकाले जा रहे हैं और उनके समर्थकों में खुशी की लहर है। देखिए भीलवाड़ा से जहां कांग्रेस पार्टी ने जहां दामोदर गुर्जर को जहां टिकट दिया है वहीं भारतीय जनता पार्टी ने भी जो है जो प्रदेश उपाध्यक्ष के पद पर कार्यरत दामोदर अग्रवाल है उनके नाम से लेकर जो एक अधिवक्ता है उमेश सिंह रावत राठौड़ उनका नाम भी चर्चा में रहा है। वर्तमान की अगर बात की जाए तो जहां दामोदर गुर्जर को टिकट दिया गया है इसके पूर्व जो है धीरज गुर्जर से जो भी गुर्जर समाज से आते हैं जो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय सचिव हैं उनका भी नाम लंबे समय से चर्चा में रहा था जिनको लेकर भी कार्यकर्ताओं में अति उत्साह नजर आ रहा था लेकिन जो है कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय सचिव धीरज गुर्जर ने जो है पिछले दिनों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो है ये साफ कर दिया था कि उनकी संगठन में कार्य करने की इच्छा है बल्कि किसी तरीके से चुनाव में जो रहकर है उनको किसी प्रकार की टिकट की आशा नहीं थी। जी बिल्कुल जयेश बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका। तो कांग्रेस ने एक और सूची जारी की है जिसमें चार नामों का ऐलान हुआ है, चार उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हुआ है। अजमेर से रामचंद्र चौधरी को टिकट दिया गया है, भीलवाड़ा से डॉक्टर दामोदर गुर्जर को टिकट दिया गया है। तो कांग्रेस ने चार उम्मीदवार के नाम घोषित किए हैं। कोटा से प्रहलाद गुंजल को टिकट मिला है, भाजपा से कांग्रेस में आए हैं और जिस तरीके से पहले लगातार कहा जा रहा था कि कांग्रेस कहीं ना कहीं पिछड़ रही है या फिर कमज़ोर है लेकिन अब जैसे जैसे नामों का ऐलान हो रहा है वैसे वैसे कहा जा सकता है कि मुकाबला टक्कर का है क्योंकि प्रत्याशी जो हैं वो ऐसे सामने आ रहे हैं जिनके अपनी अपने क्षेत्र में अच्छी पैठ है
अच्छी लोकप्रियता है। तो लगातार लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हैं और इसी बीच कांग्रेस की ओर से एक और सूची जारी की गई है। 4 नामों का ऐलान किया गया है जिसमें अजमेर से रामचंद्र चौधरी को टिकट दिया गया है। जातीय समीकरण भी साधने की यहां पर लगातार कोशिश की गई है। कोटा से प्रहलाद गुंजल को टिकट दिया गया है। भाजपा से कांग्रेस में आए हैं, साथ ही तवज्जो उन्हें बड़ी कहीं ना कहीं दी गई है। इसके अलावा भीलवाड़ा की बात कर लें तो डॉक्टर दामोदर गुर्जर को टिकट दिया गया है। राजसमंद से तो कांग्रेस की ओर से 4 नामों का ऐलान हुआ है। कांग्रेस ने 4 उम्मीदवार घोषित किए हैं। कोटा से प्रहलाद गुंजल को टिकट दिया गया है। राजसमंद से सुदर्शन रावत को टिकट दिया गया है। इसके अलावा अजमेर से रामचंद्र चौधरी को टिकट दिया गया है। तो लोकसभा चुनाव की सरगर्मियों के बीच एक और लिस्ट कांग्रेस की आई है जिसमें 4 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए हैं। अजमेर से रामचंद्र चौधरी को टिकट दिया गया है। राजसमंद से सुदर्शन रावत को टिकट दिया गया है। लोकसभा चुनाव की लगातार सरगर्मियां तेज हैं और इसी बीच ये बड़ी खबर, कांग्रेस की ओर से 4 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है। एक और सूची कांग्रेस की ओर से जारी की गई है जिसमें 4 नामों का ऐलान कांग्रेस की ओर से किया गया है। अजमेर से रामचंद्र चौधरी को टिकट दिया गया है। तो कांग्रेस ने राजस्थान के लिए लोकसभा उम्मीदवारों की 5वीं लिस्ट जारी कर दी है। कोटा से प्रहलाद गुंजल का नाम सामने आया है जिन्हें लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के सामने कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया है। गुंजल ने हाल ही में बीजेपी छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन की थी और अब उन्हें तवज्जो दी गई है। कांग्रेस में उनका यह अच्छा वेलकम माना जा सकता है। इसके अलावा अजमेर से रामचंद्र चौधरी, राजसमंद से सुदर्शन रावत और भीलवाड़ा से दामोदर गुर्जर को उम्मीदवार बनाया गया है। तो कांग्रेस की इस सूची में जो नाम सामने आए हैं वो अपने अपने क्षेत्र में काफी अच्छी पैठ रखते हैं। तो इससे पहले भी राजस्थान में कांग्रेस ने 10 सीटों पर नए उम्मीदवार उतारे थे और अब कांग्रेस की ये सूची आई है जिसमें कोटा से प्रहलाद गुंजल को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के सामने उम्मीदवार बनाया है, कांग्रेस उम्मीदवार बनाया है। हाल ही में बीजेपी छोड़कर उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की थी। और अजमेर से रामचंद्र चौधरी का नाम सामने आया है। इसके अलावा राजसमंद की बात कर लें तो यहां से सुदर्शन रावत का नाम सामने आया है। भीलवाड़ा से दामोदर गुर्जर को उम्मीदवार बनाया गया है। ये बड़ी खबर लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई। राजस्थान के 4 उम्मीदवारों के नाम सामने आए हैं जिनमें कोटा से प्रहलाद गुंजल, राजसमंद से सुदर्शन रावत को टिकट दिया गया है। तो 4 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हुआ है और इससे पहले भी आपको बता दें कि कांग्रेस ने 10 नामों की सूची जारी की थी और उसके बाद 2 नामों की सूची कांग्रेस की ओर से आई और अब 4 नामों की सूची कांग्रेस की ओर से आई है। ज्यादातर चेहरे ओवरऑल अगर देखें तो नए चेहरों को टिकट दिए गए हैं। इसके अलावा